तो स्वागत है, सौगात है, नव वर्ष की भी आज शुरुआत है। और भैया कल देर रात बीसीसीआई ने स्क्वाड के साथ साथ ना तगड़े तगड़े कटाक्षों की भी की बात है, तो सब कुछ हम आराम से विस्तार से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले शुरुआत करते हैं विथ ऑल माई विशेस, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मतलब भैया नव वर्ष की ना मंगल कामना, ढेर सारी कामनाएं आपकी जो भी विशेष हो, मतलब आपके जो भी यहाँ पर आपने 2022 के रेजोल्यूशन लेकर रखे हुए हैं ना, वो सारे आपके पूरे हों। एंड हमारी पूरी फैमिली को वंस अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। 2022 तगड़ा होगा, 2022 में बवाल मचाया जाएगा, इसी पॉजिटिविटी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और एक पहला रेजोल्यूशन, और मेरे ख्याल से मेरा एकमात्र रेजोल्यूशन, या फिर आप कह सकते हो मेरा एकमात्र टारगेट, ज्यादा बेहतर शब्द ये होगा, जो मैंने सेट किया है। देखिए कल रात में ना मैं ऐसे खाली बैठा था, आपको पता है कोई काम धंधा तो है नहीं, तो खाली ही बैठे थे, तो वहां पर मतलब मेरे जहन में बस ये बात ऐसे पिंच की, हिट की कि एक टारगेट लेकर चलते हैं साल 2022 में। ना मैंने सोचा है कि हम बड़ा टारगेट है, बड़े मैंने पाल रखे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि साल 2022 में क्या हमारे 500,000 सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब सोचा मैंने, पूरा तो आप ही को करना है, सब कुछ आप ही को करना है, और कंटेंट पे भी तो हम वर्क करेंगे ना, वो मैं सोच रहा था 2022 में किस तरीके से हम अपने आप को अपडेट करें, अपग्रेड करें। खैर वही बात है, टारगेट सेट कर लिया है, बाकी देखते हैं, मेहनत की जाएगी, आप लोग का सपोर्ट और प्यार रहेगा तो देखिए पहुंच ही सकते हैं भैया। कुछ भी, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी हो सकता है, देखिए असंभव नहीं है, मुश्किल है पर असंभव भी नहीं है। तो मुद्दा क्या है हमारे पास, आप लोग को पता है कि भैया कल की वीडियो में, कल कमाल क्रिकेट के एपिसोड में मैंने आप लोग को बताया था कि आज हमें ODI का स्क्वाड देखने को मिल सकता है, BCCI अनाउंस कर सकती है, एंड BCCI ने अनाउंस कर भी दिया। 31 दिसंबर को देर रात हमें भारतीय टीम का ODI स्क्वाड, जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ODI श्रृंखला खेलेगा, अनाउंस होता हुआ नजर आया। एंड आई होप कि अब तक आप लोगों ने स्क्वाड देख लिया होगा, नहीं देखा है तो एक बार फिर से स्क्रीन पे आपके सामने है, आप एक बार देख लीजिए, निहार लीजिए। की पॉइंट्स मैं आप लोग को बता देता हूं कि भैया रोहित शर्मा, जैसा हम कह रहे थे कि वेट एंड वॉच पॉलिसी BCCI की चल रही है, देखते हैं क्या वो फिट होंगे, अवेलेबल होंगे। यहां पर NCA ने बोला कि रिस्क नहीं लेना है भैया, रिस्क नहीं लेना है। और चेतन शर्मा साहब ने भी यही बोला कि आगे के T20 वर्ल्ड कप, आगे के और मैचेस को ध्यान में रखकर हमने ये सोचा कि रिस्क नहीं लेंगे हम। तो ऐसे में KL राहुल यहां पर कप्तान रहेंगे, और उसके साथ साथ जसप्रीत बुमराह को वाइस कप्तान नियुक्त किया गया। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला मुझे नजर आया, क्योंकि देखिए क्वालिटीज तो है, जसप्रीत बुमराह के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है, इसमें कोई शक नहीं है, एंड उसको एक मौका दिया जा रहा है। डेफिनेटली वो परमानेंट नहीं रहेंगे भाई, जब रोहित आ जाएंगे तो रोहित कप्तान बन जाएंगे, KL राहुल वाइस कप्तान बन जाएंगे, बट जो मौका मिला है मुझे लगता है अच्छा मौका उन्हें दिया गया है, डिजर्व करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है। इसके अलावा वही बात है जो मैंने आप लोग को बता रखा था, सब वही चीजें हैं कि भैया अक्षर पटेल, रविंद्र सर जडेजा तो अवेलेबल नहीं थे अपनी अपनी इंजरीज की वजह से, इस वजह से आपको वॉशिंगटन सुंदर, रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल जैसे खिलाड़ी देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा देखने वाली बात यह भी बन जाती है कि मोहम्मद शामी को रेस्ट दिया गया, और मुझे लगता है अच्छा मूव है, और इसलिए मोहम्मद सिराज आपको देखने को मिल रहे हैं, जसप्रीत बुमराह है, प्रसिद्ध कृष्णा है, ये सारे खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा भी फिट नहीं थे। तो मतलब ये सारी जानकारियां तो आई होप आप लोग के पास ऑलरेडी होंगी ही। इसके बाद मैं थोड़ा सा जो पंगे हुए ना तगड़े वाले, उस पर थोड़ा सा अपना ओपिनियन भी दूंगा। पंगे क्या कुछ हुए हैं, क्या स्टेटमेंट अब BCCI ने जारी किया है विराट कोहली को लेकर, आपको पता है ना देयर इज अ रिफ्ट बिटवीन विराट एंड BCCI, तो वो सारी चीजें शेयर करते हैं। एंड ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द वीडियो हम बात करेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट 11 के बारे में, जो मुझे नजर आ रही है भारतीय टीम की ODI श्रृंखला के लिए। सो वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग, एक एक करके बात करते हैं। अब चेतन शर्मा साहब ने भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जी हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की, जो भैया पहले स्केड्यूल्ड हुआ था कि ये करेंगे, याद है जब विराट कोहली ने अपना स्टेटमेंट दिया था तो उसी दिन बोला गया था कि चेतन शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, उन्होंने बोला कि हम बाद में करेंगे, और वो बाद कल था भैया, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फैसले पर उन्होंने बातचीत की कि वाइड बॉल का कप्तान कोई एक ही होगा, लेकिन हमने ये तय कर रखा था, ये हमारे जहन में था कि वाइड बॉल का कोई एक ही कप्तान रहेगा, और इसीलिए हमें उन्हें ODI की भी कप्तानी से हटाना पड़ा, हमने उन्हें ODI की कप्तानी से हटाया, T20 इंटरनेशनल की कप्तानी उन्होंने खुद छोड़ी थी, ये बात चेतन शर्मा ने भी कंफर्म की। लेकिन इसके बाद सुनिए भैया, ध्यान से सुनिएगा, जो बोलते हैं ना कि सेलेक्टर्स, बोल्ड और कप्तान में यहां पर थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप रहता है, बातचीत सही से नहीं होती, नोकझोंक रहती है, उस पर चेतन शर्मा ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हमारे बीच नहीं है, ना कि सेलेक्टर्स, कप्तान, बोर्ड और इवन डोमेस्टिक प्लेयर से भी हमारे कम्युनिकेशन काफी अच्छे हैं, हमने वही किया जो हमने डिसाइड किया था। चेतन शर्मा साहब ने विराट कोहली के कॉमेंट पर, कौन से कॉमेंट पर, कि उनसे विराट कोहली ने क्या बोला था, आप सभी लोगों को याद होगा कि विराट कोहली का साफ स्टेटमेंट था कि मुझसे किसी ने नहीं बोला था कि T20 इंटरनेशनल की कप्तानी मत छोड़ो, इस पर चेतन शर्मा ने रिप्लाई करते हुए, याद है ना BCCI प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली ने क्या बोला था, कि हम सभी लोगों ने विराट से बोला था कि आप कप्तानी मत छोड़िए, विराट कोहली ने बोला कि मुझसे ऐसा किसी ने नहीं कहा था। अब उस पर चेतन शर्मा का भी रिप्लाई आया, और उन्होंने बोला कि मैं बहुत सरप्राइज था जब विराट कोहली ने बोला कि वो T20 इंटरनेशनल की कप्तानी छोड़ना चाहते हैं, हम सभी लोगों ने उनसे बोला था कि अपने फैसले को रिकंसिडर करिए, क्योंकि ये देश के लिए, इंडियन टीम के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है, वो भी जिस स्टेज
पिच पर, वो था T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद होने वाला था। तो हम सभी लोगों ने उनसे बोला कि अभी इस पर बात करना मुझे लगता है सही नहीं रहेगा, हमें लगता है सही नहीं रहेगा। और सारे बीसीसीआई ऑफिशियल्स ने उनसे बोला, सभी ने इसीलिए रिक्वेस्ट की थी क्योंकि वो इंडियन क्रिकेट के बेनिफिट में था। T20 वर्ल्ड कप को कहीं ना कहीं उन्होंने एक तरीके से टारगेट किया और बोला कि हम ये नहीं चाहते थे कि T20 वर्ल्ड कप के पहले विराट कोहली आकर बोले कि हम रिटायर, मतलब मैं जो है इसके बाद कप्तानी छोड़ दूंगा, कप्तानी से स्टेप डाउन कर जाऊंगा, जो कि कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को खराब करता, और इसीलिए हम सभी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। लेकिन जहां पर विराट कोहली ने साफ तौर पर बोला था कि मुझसे ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं की गई थी, बल्कि मेरे डिसीजन को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से वेलकम किया गया था। तो यहां पर आप समझ सकते हो कि बीसीसीआई के सारे मेंबर्स अब एक तरफ से बोल रहे हैं और विराट कोहली अपना पक्ष लेकर आए हैं। अब भैया आपको डिसाइड करना है कि किसका पक्ष सही है गलत है। ये तो तय है कि कोई एक ही सही है, कोई एक तो झूठ बोल ही रहा है। अब वो झूठ कौन बोल रहा है इसका फैसला भैया जनता जनार्दन ही कर सकती है। हमारे आप मतलब मेरे बस की बात पर्सनली थोड़ा सा मुश्किल है। तो साहब स्क्वाड को देखकर जो मैं स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 यहां पर ड्रॉ कर पा रहा हूं, अब सबसे बड़ा सवाल क्या रहेगा, केएल राहुल इज द न्यू कैप्टन, वो कप्तान है तो पावर मतलब डिसीजन मेकिंग कुल मिलाकर उनके हाथ में रहेगी। तो बड़ा सवाल भैया यही रहेगा कि क्या केएल राहुल अपने आप को अपनी यूजुअल पोजीशन एज एन ओपनर खिलाना पसंद करेंगे, वहां पर अपने आप को सॉलिडिफाई करना चाहेंगे, या फिर ODI में जहां पर वो अब तक खेलते हुए आ रहे हैं और बेहतर खेल रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, या फिर फिनिशर के आसपास आप कुछ कह सकते हो, वहां पर वो खेलेंगे, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। मेरा ये मानना है, जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन, कि केएल राहुल को वहीं पर खेलना चाहिए जहां पर वो अब तक खेल रहे हैं, क्योंकि अगर वो ओपन करने आएंगे तो कहीं ना कहीं टीम का बैलेंस खराब हो जाएगा। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, बाकी मुझे लगता है कि केएल राहुल भी ऐसा करेंगे। मुझे लग रहा है कि यहां पर भैया जो दो खिलाड़ी ओपन करते हुए नजर आएंगे, ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी शिखर धवन, क्योंकि शिखर धवन को आपने पिक किया है तो देखिए एक्सपीरियंस के हिसाब से पिक किया, और पिक किया है ना तो आप खिलाओगे, नहीं तो कोई तर्क ही नहीं बनता था उनको पिक करने का, बीइंग एन एक्सपीरियंस प्लेयर। और हाल फिलहाल में ना राहुल द्रविड़ सर सभी एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को बैक कर रहे हैं, तो ही इज डेफिनेटली गोइंग टू बैक शिखर धवन, वो खेलेंगे। उनके साथ ऋतुराज गायकवाड़ ही ओपन करेंगे, जिस तरीके की वो फॉर्म में है कोई दो राय नहीं है, कोई और खिलाड़ी उनके आसपास आए तो ऑब्वियसली ऋतुराज गायकवाड़ इज गोइंग टू ओपन। बड़ा सवाल मैंने बताया कि क्या केएल राहुल ऐसा सोचेंगे, हालांकि मेरा ऐसा मानना नहीं कि वो ओपन करने वाले हैं। उसके बाद नंबर 3 पर आप लोग को पता है कि विराट कोहली ही खेलते हुए नजर आएंगे, और इनके बल्ले से भी रन निकलना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें पता है कि हाल फिलहाल में चीजें उतनी बेहतर नहीं जा रही है, लेकिन साल 2022 में चीजें क्या बेहतर जाएंगी, बेहतर और बेहतरीन बनेगा, ये एक देखने वाली बात रहेगी। इसके बाद बात करें नंबर 4 पोजीशन को लेकर, तो यहां पर थोड़ा सा सोच विचार करना पड़ेगा। दो खिलाड़ी बड़े बेहतरीन हमारे पास, सूर्यकुमार यादव एंड श्रेयस अय्यर, क्या दोनों खेल सकते हैं? देखिए मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट 11 में तो दोनों की जगह नहीं है, खेल कोई एक ही पाएगा, सूर्यकुमार यादव खेलें या फिर श्रेयस अय्यर खेलें। आई एम गोइंग विद श्रेयस अय्यर, मुझे लगता है श्रेयस अय्यर को खेलना चाहिए, हालांकि सूर्यकुमार यादव भी विकल्प के तौर पर है, स्ट्रॉन्गेस्ट 11 में आप कंसीडर कर सकते हो। नंबर 5 पर ऑब्वियसली यहां पर कमाल लाजवाब राहुल, यानी कि हमारे ODI टीम के कप्तान खेलेंगे भैया, जो इस वक्त कप्तान भी रहेंगे। वैसे तो ऋषभ पंत पर भी ODI में थोड़े से सवाल उठते हैं, बट आई थिंक ही इज गोइंग टू प्ले, तो ऋषभ पंत एज एन विकेट कीपर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद की पोजीशन पर कौन खेलेगा, बड़ी क्यूरियोसिटी है मुझे जानने की, यहां पर अब कौन खेलने वाला है एज एन ऑलराउंडर। हार्दिक पांड्या तो है नहीं, यहां पर शार्दुल ठाकुर है, एंड देन यू हैव गॉट वेंकटेश अय्यर। मैं देखना चाहता हूं कि ये टीम किस खिलाड़ी को ट्रस्ट करेगी, क्या शार्दुल ठाकुर के एक्सपीरियंस के साथ जाएगी, या फिर वेंकटेश अय्यर को, एक युवा खिलाड़ी को, कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में ये टीम एक्सप्लोर करने वाली है, और मुझे लगता है स्क्वाड में पिक हुए हैं तो कुछ सोच समझ कर ही टीम ले जा रही है। सो आई एम गोइंग विद वेंकटेश अय्यर, हालांकि शार्दुल ठाकुर का विकल्प एज इट इज अवेलेबल है। इसके बाद की जो पोजीशन है, अब यहां पर स्पिनर्स के लिए आपको थोड़ा सा सोचना है, और पहले मैं स्पिनर्स के नाम बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको रीजन भी बताऊंगा कि क्यों मैंने इनको स्पेशली पिक किया है, नहीं तो मैं नहीं पिक करता, लेकिन बताऊंगा, अभी आप ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद मुझे लगता है कि युजवेंद्र चहल खेलेंगे, रविचंद्रन अश्विन भी खेलेंगे, दोनों खेलेंगे ऐसा मेरा मानना है। इसके बाद अगर पेसर्स की बात है तो भुवनेश्वर कुमार या फिर मोहम्मद सिराज में से कोई एक खेलता हुआ नजर आएगा। मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 में मैं भुवनेश्वर कुमार को जगह दूंगा बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, एंड कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीकन कंडीशन, थोड़ा सा स्विंग भी हो सकता है। एंड उसके बाद जसप्रीत बुमराह ऑफकोर्स जो है प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि मैं वॉशिंगटन सुंदर की तरफ क्यों नहीं गया, और क्यों यहां पर मैंने अश्विन एंड उनके साथ यूजी चहल दोनों खिलाड़ियों को पिक किया है, कारण मैं आप लोग को बता देता हूं। दरअसल भैया समझने वाली बात यह है कि जितना मैंने पिचेस का आकलन किया है, पार्ल और केप टाउन में जो ODI मुकाबला होने वाला है, तो दो ऐसे मैचेस कुल मिलाकर पार्ल एंड केप टाउन में है जहां पर कहीं ना कहीं रिलेटिवली स्लो पिचेस अब बताई जा रही है। जी हां, बताया जा रहा है कि साउथ अफ्रीका में ये पिचेस अब स्लो बिहेव करती हैं, और इसीलिए यहां पर तगड़े स्पिनर्स का कॉम्बो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा भारतीय टीम के लिए, और मुझे लगता है भारतीय टीम ये फैक्टर कंसिडर कर रही है, इसीलिए यहां पर यूजी चहल एंड आर अश्विन दोनों को बुलाया गया। बाकी इसके अलावा अगर टीम को लगता है कि नहीं भैया इतनी ज्यादा स्पिन फ्रेंडली पिचेस नहीं रहने वाली है, मिडिल ओवर्स में उतनी मदद नहीं मिलेगी, यूजी या फिर अश्विन में से कोई एक देखने को मिले, लेकिन अभी के लिए मैं इतना कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गेस्ट
स्ट्रॉन्गेस्ट 11 में, तो भैया सारे सीरीज के डायनेमिक्स को ध्यान में रख के अश्विन एंड यूजी दोनों को ही स्ट्रॉन्गेस्ट 11 में रखूंगा। तो भैया ये मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 है भारतीय टीम की ओडीआई श्रृंखला में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। थोड़ा सा बैलेंस बनाना मुश्किल होता है, जब भी रविंद्र सर जडेजा साहब जैसे खिलाड़ी आपके पास नहीं होते ऑब्वियसली आपका बैलेंस डिस्टर्ब होता है, लेकिन फिर भी मैंने हर एक पहलू को ध्यान में रख के स्ट्रॉन्गेस्ट 11 बनाने की कोशिश की है। बाकी आप अपना ओपिनियन ऑब्वियसली कॉमेंट सेक्शन में लिखकर शेयर कर सकते हो, आपकी अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 क्या है, आप केएल राहुल को कहां पर देखते हो, आप अपने सारे ओपिनियन सारे सुझाव चेतन शर्मा और विराट कोहली पर भी आपकी क्या राय है, सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में लिखकर शेयर कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई है तो भैया वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एम अब आप लोग को पता है, तो भैया सब कुछ आपको करना है, आप ही हमारी फैमिली, आप ही हमारा परिवार हो, आप ही लोग को सपोर्ट करना है। एंड वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की बहुत ढेर सारी लख लख शुभकामनाएं, मिलते हैं तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।